हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू वी फ्रीमेंट सोल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर 21 कंप्लीट किया था, ठीक है, लेकिन आज मैं चैप्टर 19 स्टार्ट कर रही हूँ। बिकॉज ये सब चैप्टर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को ये पहले करा देना चाहती हूँ। आप लोग का अभी एग्ज़ाम कमिंग है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग का इसमें से भी 3-4 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। सो ये मैं आप लोगों को पहले कराना चाहती हूँ, ठीक है। तो बाकी तो आपको मिलेंगे, इसलिए मैं पहले चैप्टर 19 स्टार्ट कर रही हूँ आज, एक्सरसाइज 19.1। ओके, और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपनी ये खुशी बताना चाहती हूँ कि आज हमारे 700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं बिकॉज ऑफ यू गाइज। आप लोगों ने हमारा इतना साथ दिया और हमेशा ऐसे ही प्लीज़ साथ देते रहना, जिससे कि हम लोग आगे बढ़े। आप लोगों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, प्लीज़ इसके लिए आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमें आपकी आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। और मैं यह चाहती हूँ कि सभी उन बच्चों के पास मेरा यह वीडियो पहुँचे जो नहीं पढ़ पाते हैं, ट्यूशंस नहीं ले पाते हैं। मैथ्स का इतना ज़्यादा ट्यूशंस का हाई रेट हो गया है कि अभी कोरोना के वजह से बहुत सारे पेरेंट्स का जॉब भी चला गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो, आप लोग को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, और साथ ही साथ आप लोग जो जो रिक्वेस्ट करोगे वो भी आपको मिलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 19 एक्सरसाइज 19.1 का है, नीचे की बीजगणितीय संख्याओं का उत्पादक निकालें। ये उत्पादक क्या होता है पहले मैं ये बताना चाहती हूँ। फैक्टराइजेशन, दैट मीन्स फैक्टराइजेशन ये बहुत ही सिंपल है, और अलजबरा का ये बहुत ही इजी पार्ट है, ठीक है। आप लोगों को घबराना नहीं है, अलजबरा बहुत ही इजी होता है। एक्चुअली मैथ ही इजी होता है, लेकिन अलजबरा इसमें ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी हम नंबर ले लें, यदि यहाँ पे दे दे 8a² b, यदि ऐसा रहे तो हमें इसमें क्या करना होगा, 8 को हमें तोड़ देना होगा। दैट मीन्स इसका फैक्टर निकालना होगा। फैक्टर निकालने का मतलब क्या है, इसका एलसीएम हम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम कब, ये एलसीएम इसका इतना आया, ठीक है। दैट मीन्स 2 × 2 × 2, और ए स्क्वायर को भी हम तोड़ तोड़ के लिखेंगे। कहने का मतलब है a × a × b को × b, यही हुआ फैक्टराइजेशन। इसका फैक्टराइजेशन हम लोगों ने कर दिया, तो ऐसे ही आपको भी यहाँ पे करना है। इसका कहने का मतलब है तोड़ तोड़ के लिखना है, और जो नंबर होगा उसका हम लोग एलसीएम निकाल के डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 19 एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पूरा कंप्लीट है। यहाँ पे मैंने 8 तक लिखा है, नीचे के बीजगणितीय संख्याओं का उत्पादक विश्लेषण हमें करना है, यानी इसका हमें फैक्टर निकालना है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ओके, तो यहाँ पे बहुत इजी है, मैंने जैसे भी आप लोगों को पहले बताया है। इसमें क्या करना है, 7 किसी से नहीं करता, दैट मीन्स 7 × 1 होता है, वहाँ 7 × 1 आपको नहीं लिखना है, बस 7 × x × y। यहाँ पे मैं ये साइन इसलिए, इनटू का साइन इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये लबड़ा है, इसमें एक्स आता है, तो आप लोग इसे भी एक्स ना समझ लो, इसीलिए मैं ये साइन दे रही हूँ पॉइंट। ओके, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं ना, तो 3 × 3 = 9 होता है, इसलिए 3 × 3 × x को क्या करेंगे, x × x लिखेंगे × y। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री में 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4, ओके, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 लिख सकते हैं, × a × यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख रही हूँ b × b × c, ओके, यहाँ पे भी है ये इंटू यहाँ है, ओके, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में 25 है, ये 251 नहीं है, 25 lmn है, ओके, तो यहाँ हमें क्या करना है, माइनस 25 का क्या होता है, 5 × 5 × l × m × n, बस हो गया 12। यहाँ पे हमें बस 12 का निकालना है, यदि इसके अंदर और कुछ रहता कॉमन तो हम लोग उसे बाहर निकालते, लेकिन कोई कॉमन नहीं है, इसलिए हमें बस 12 को तोड़ना है। दैट इज़ 2 × 2 × 3 × x × 2 + x, यही हो गया इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे पी नहीं है, इसलिए इसमें से पी नहीं निकलेगा, और ये वही है उसका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स 5 − 5 × p × q × p² + 8, इसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे सेवन में, क्वेश्चन नंबर सेवन में 21 का हम निकालेंगे। 21 का क्या लिख सकते हैं, 3 into 7 लिख सकते हैं, into x into y into 3x minus 2, क्योंकि इसको हम नहीं तोड़ सकते इसलिए उतना का उतना ही रहे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में 121 किसका होता है, इसको हम एलसीएम इसका क्या निकालेंगे, 11 into 11 होगा, सॉरी ये पॉइंट देना हमें, 11 into 11 into m into n। यहाँ m स्क्वायर है लेकिन n है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसको हम नहीं तोड़ेंगे वैसे का वैसे ही रख देंगे, m स्क्वायर माइनस n, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1, 2, 8, ये पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। था ना इजी, फैक्टराइजेशन बहुत इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है नीचे की बीजगणितीय संख्याओं का साधारण उत्पादक निकाले, दैट मींस कॉमन फैक्टर हमें इसका निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कॉमन है, ये दोनों दो जो नंबर्स दिए हैं इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें से जो कॉमन होगा ना वही हमें लिखना है। ठीक है, चलो इसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सो क्वेश्चन का 2 का 1, 2, 3, 4, 5 मैंने लिखा है और आपको ये पहले बता दूँ उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर, इसका मतलब हमें पहले 22xy को तोड़ना होगा। सो यहाँ पे लिखेंगे 22xy इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 11 लिख सकते हैं 22 को। ओके, सो 2 into 11, इंटू का साइन ये नहीं रहेगा, पॉइंट रहेगा। ठीक है, 2 into 11 इंटू एक्स इंटू वाई। ओके, उसके बाद 33xz। ओके, 33xz को हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 11 लिख सकते हैं ना 33 को, और इंटू एक्स इंटू जेड। अब इसमें क्या क्या कॉमन है आप लोग देख सकते हो क्या कॉमन है, बस हमें वही लिख देना है यहाँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू, कॉमन फैक्टर इसमें से क्या क्या है, ये साधारण उत्पादक। आप लोग देखो 11 मिल रहा है ना, दोनों में 11 है ना, तो हम 11 को पहले लिखेंगे, 11 हो गया, कॉमा एक्स, देखो एक्स है दोनों में, तो हम लोग एक्स दोनों में क्या कॉमन है बस हमें वही लिखना है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, एक्स कॉमन है तो एक्स लिखेंगे, वाई इसमें है, इसमें वाई है, नहीं है, इसमें जेड है, इसमें जेड नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसका मतलब 2, 3, y और z को हमें नहीं लिखना है, ओनली 11 और x को लिखना है। 11, x ये कॉमन है, लेकिन 11 into x भी तो कॉमन है, 11 into x ये, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 11 into x, या फिर 11x डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 11x, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। इसका आप कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो यहाँ पे हमें पहले लिखना होगा 14ab² इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 7 लिख सकते हैं, सो 2 into 7 इंटू ए इंटू बी इंटू बी। उसके बाद 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 7 लिख सकते हैं ना, और a इंटू बी। ओके, अब इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे, सो कॉमन फैक्टर इक्वल टू, देखो 7 मिल रहा है ना, दोनों में 7 है तो 7 लिखेंगे पहले, उसके बाद देखो इसमें भी a है, इसमें भी a है, दैट मीन्स a है, उसके बाद क्या है, b है, दोनों में b है तो b हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और एक है, देखो 7 into a 7 into a, इसमें भी है ना, सो 7 into a, दैट इज 7 है। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, 7b भी है, 7 into b 7 into b, इसलिए 7b भी होगा, 7b। ओके, और क्या होगा, तो 7ab 7ab, दोनों में है ना, इसलिए 7ab 7ab पूरा, तो यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं, 7 into ab, ये टोटल है एक साथ। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका कॉमन फैक्टर, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। कॉमन फैक्टर जो जो इसमें कॉमन है ये हमें लिखना है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना है और कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट है यहाँ पे -16 mnl, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 को 2 into 2 into 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16, ओके, into m into n into
एल लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे माइनस 39 एन एल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 13 लिख सकते हैं ना 39 को। सो माइनस, ये माइनस यहाँ भी रहेगा, माइनस 3 × 13। ओके, माइनस 3 × 13 होगा। उसके बाद एन इंटू एल इंटू एल। ओके, ये एल स्क्वायर है इसलिए एल इंटू एल। अब क्या करना है हमें, कॉमन फैक्टर निकालना है। सो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर साधारण उत्पादक इक्वल टू, माइनस दोनों में कॉमन है ना, इसलिए हम क्या पहले लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, माइनस। अब देखो इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 13 है इसमें 13 नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। m है इसमें, इसमें m नहीं है, n है, तो पहले हम n लिखेंगे। ओके, l है दोनों में, l लिखेंगे, ठीक है, n और l हो गया, माइनस n, या फिर हम यहाँ पे माइनस l भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस इस सब के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो माइनस n और यहाँ पे माइनस l भी होगा। ओके, उसके बाद n और l दोनों है इसमें, इसमें भी n और l दोनों है, सो माइनस माइनस आगे है, दैट इज़ माइनस एन एल, और माइनस एन एल ये इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए माइनस एन एल। ओके, एल हो गया। अब एल, हाँ एल भी लिखना होगा क्योंकि माइनस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एन, एन भी है तो एन को भी लिखेंगे, क्योंकि यदि हम माइनस यहाँ ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे एन कॉमन नहीं, हाँ कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ एन भी है, सो पॉजिटिव में एन भी ले सकते हैं, और एल भी ले सकते हैं पॉजिटिव में, और क्या ले सकते हैं, एन एल, एन एल भी ले सकते हैं, सो कॉमा एन एल, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 12a² b। ओके, सो 12a² b को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 6, दैट इज 2 × 2 × 3, ठीक है, × a × b। ओके, उसके बाद यहाँ पे 18ab², ठीक है, 18ab² को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, ओके, × a × b × b। उसके बाद 24ABC, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 × 2 = 4, ओके, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, सो 8 × 3 = 24, × a × b × c। अब इसका कॉमन फैक्टर हमें निकालना है, सो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू, कॉमन क्या क्या है, देखो 2 सब में कॉमन है ना, तो हम पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, सो 3 होगा। ओके, ए कॉमन है सब में, तो देखो इसमें ए, इसमें नहीं, सो ए कॉमन हो गया, बी बी बी, यानी बी भी कॉमन है। ओके, अब हमें और क्या हमारा कॉमन है, तो 2 के साथ नंबर, ये इसमें ए बी सी भी कॉमन है। ओके, सो हम 2 के साथ इसको भी हम लेंगे, 2a को लेंगे, ठीक है, सो यहाँ हो जाएगा 2 × a, दैट इज 2a। ओके, उसके बाद 2 के साथ b भी कॉमन है, तो 2b होगा, 2b। ओके, c तो इसमें नहीं है ना, इसमें c है लेकिन इसमें नहीं है। ओके, सो 2a 2b, और क्या कॉमन है, तो 3, देखो 2 × 3 = 6 हुआ, यहाँ भी 2 × 3 = 6 है और यहाँ भी 2 × 3 = 6 है, यानी 6 भी कॉमन होगा। ओके, सो 6 भी है, इसको 6 को अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो 3, जैसे 2a कॉमन है, 2 × a कॉमन है, 2a कॉमन है, उसी तरह 3 × a भी कॉमन है ना, सो हम 3a भी लिख सकते हैं और 3b भी कॉमन है, 3 × b 3 × b सब में है, सो 3b कॉमन है। ओके, अब 6 के साथ चलते हैं, 6 × a 6a कॉमन है। ओके, 6 × b 6b भी कॉमन है। ओके, 6ab भी कॉमन है, 6 × 3 × 6 × a × b, सो 6a और b 6ab, ओके, 6ab कॉमन है। उसी तरह से
देखो तो 2 into a into b दैट इज 2ab भी कॉमन है, देखो 2 into a into b, 2 into a into b, सो 2ab ये भी कॉमन है, 2ab, ओके ab भी कॉमन है, इसलिए पहले ab लिखना होगा उसके बाद 2ab लिखना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग पहले इसे लिखना, ab को कॉमन लिखना, ab उसके बाद 2ab, ओके। उसके बाद देखो तो 3ab भी कॉमन है, 3ab, सो 3ab भी लिखेंगे, ओके। तो 6ab ऑलरेडी लिख चुके हैं, सो इस तरह से हमारा इतना सारा इसमें कॉमन फैक्टर आ गया। सो इसको क्वेश्चन नंबर 5 में 2xy को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into x into y, 4yz है तो 2 into 2 into y into z, ओके। 6xz को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 into x into z, सो कॉमन फैक्टर इक्वल टू, कॉमन फैक्टर क्या होगा, देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, यानी एक 2 होगा। और हम देखेंगे इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें x है, इसका मतलब x नहीं होगा। इसमें दोनों में z है, इसमें z नहीं है, इन दोनों में y है लेकिन इसमें y नहीं है, इसलिए और कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो यही हमारा कॉमन फैक्टर क्या निकला, तो 2 निकला, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। सो क्वेश्चन नंबर 6 है ये, पहले 18x² का हम लिखेंगे, 18x² इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 3, 3 जाना है, 9 to 18, x into x, ओके। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 3, 3 जाना है, 3 जा 27, into x, और उसके बाद है -45x। सो माइनस, पहले तो माइनस लिखना होगा, उसके बाद 3 3 जा 9, उसके बाद into 5, 9 5 जा 45, into x, सो कॉमन फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, देखो 3 3 3, तीनों में 3 है, इसका मतलब क्या होगा, पहले 3 होगा, उसके बाद 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, दैट मीन्स 9 होगा, ओके। x x x, यानी x होगा, उसके साथ हम लोग लिख सकते हैं 3 into x, 3 into x, 3 into x, इसका मतलब क्या होगा, 3x होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, into x भी तो हो सकता है, 9x, 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 तीनों में है, सो 9x, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड कॉमन फैक्टर, ओके। अब चलते हैं 7 पे, 5mn को हम लिख सकते हैं 5 into m into n, इसमें तो तोड़ना ही नहीं है। 6n² l² को लिखेंगे 2 into 3 into n into n into l into l, ओके। 7l³ है m² 7 into l into l into l into m into m, ठीक है। अब इसमें आप लोग देखो तो कोई कॉमन है, 5 2 7 नहीं है, m इसमें m है, इसमें नहीं है, n है, इसमें n नहीं है, l दोनों में है, इसमें l नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो जहाँ कॉमन कुछ ना रहे वहाँ क्या होता है, तो 1 होता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो ये हमारा कॉमन फैक्टर, इसका 1 आएगा, ये O है, ओके। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर आया क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 2 बीजगणितीय संख्याओं को लिखे जिसका साधारण उत्पादक, ये जितने हैं साधारण उत्पादक ये सब निकले, ओके। चलो इसे बनाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर ऑलरेडी दे चुका है और हमें इसका क्वेश्चंस बनाना है। क्वेश्चन क्या होगा, x² जिसका कॉमन होगा उसमें हम क्या लिख सकते हैं, यानी x² तो ऑब्वियसली होगा ही दोनों में, ओके। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एक ले लेंगे 2x² एक ले लेंगे, एंड पहले यहाँ पे आंसर ऐसे लिखना होगा हमें, वी टेक, एक ले लेते हैं
टू एक्स स्क्वायर और एक ले लेते हैं हम लोग, यदि हम 4 लें तो 2 और इंटू 2 दोनों कॉमन हो जाएगा, इसलिए हम 4 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लेंगे 3 और एक एक्स क्यूब ले सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्स क्यूब में एक्स एक एक्स ये तीनों कॉमन है, यानी कि सॉरी कॉमन ही है, एक्स स्क्वायर कॉमन है इसमें, इसलिए हम एक्स क्यूब ले सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हमें 2xy चाहिए, यानी कि हम क्या लें कि यहाँ पे 2xy आए, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वी टेक क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ एक 2xy स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है, 2xy स्क्वायर एक लिख सकते हैं यहाँ पे, और एक लिख सकते हैं 2 चाहिए हमें, यानी कि दोनों में हमें 2 लाना ही है, ओके। सो हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं 8 और एक यहाँ पे x स्क्वायर ले लो, और यहाँ पे ले लो आप y क्यूब, ओके, 8x स्क्वायर y क्यूब। इसका मतलब कि इसमें भी एक x कॉमन है और y स्क्वायर इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन रहेगा, ठीक है। सो 2xy को हम इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसका क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी वाई स्क्वायर, यहाँ वाई है ओनली, इसलिए हमें वाई ही लेना होगा, एक वाई ले लेते हैं एक वाई स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4a स्क्वायर, यानी हमें यहाँ पे लेना होगा जिसमें 4 आए और a स्क्वायर आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ले सकते हैं 8 a क्यूब ले लेंगे, ठीक है, एक ले लेंगे 8 a क्यूब, और एक ले लेंगे हम लोग यहाँ पे एक 4 ले लेते हैं, ठीक है, 4 भी तो है ही। सो 4a स्क्वायर हमें चाहिए, इसलिए a स्क्वायर b हम ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ भी 4a स्क्वायर होगा और यहाँ भी 4a स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए 4a स्क्वायर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में mn+2 चाहिए, ये पूरा का पूरा चाहिए, यानी हम एक यहाँ पे x ले लेते हैं, लिखना होगा, यहाँ मैंने नहीं लिखा, सॉरी आप लोग लिख लेना। वी टेक 2 into mn+2, ठीक है, और एक x into mn+2 स्क्वायर एक ले लेते हैं, ठीक है, एक स्क्वायर ले लेते हैं और एक ऐसे, तो हमारा तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, या फिर ना लो अभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, ऐसे नहीं, हम लोग mn+2 एक ले लेते हैं, 2 into और एक x into, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में x into y+2 चाहिए, ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या लेना होगा कि ये पूरा का पूरा कॉमन आए, ओके। तो एक लेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे वी टेक x चाहिए तो 2 into x कर दो, y+2, ओके, और एक ले लेते हैं यहाँ पे, एक ले लेंगे 3x into, या हम लोग 3x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3x स्क्वायर into y+z, लेकिन x स्क्वायर थोड़ी ना आएगा क्योंकि x इसमें है, इसमें भी x है, इसलिए x कॉमन रहेगा, तो ये हमारा इसका क्वेश्चन होगा। सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये। सो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है और इसका ये कॉमन फैक्टर है, इसलिए ऐसा इस टाइप का आ सकता है, लेकिन नहीं भी आ सकता है, ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन इजी है, आप लोगों को घबराना नहीं है, इसमें क्या कॉमन हम खुद से ले सकते हैं ये हमें लिखना है, ठीक है। सो गाइज, आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आप लोग ऐसा ही मेरा साथ दो, हमेशा साथ दो, और चैनल अच्छा लगे, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ओके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, बाय बाय।